कराची के शहरन वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली वे फैसले के रद्द कदे तजवीज़ डी है तो नओ वजीर आजम सिराइकी बेल्ट में होजन घुर्जे। सिंध टीवी न्यूज के रिपोर्टर मुश्ताक सरकी से कराची के शहरन ऐसी अचो तुम नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट पारा दिनल फैसले का पोए सैयद यूसुफ रजा गिलानी मुल्क जो वजीर आजम नए रो। सुप्रीम कोर्ट जो फैसले का पोए मुल्क जी अवाम मुख्तलिफ़ किस्म जा राया पेश कर रही है कि चीफ जस्टिस के हक में फैसलो रही रहा तो के वजीर आजम से हमदर्दी जो इजहार कर रहा इन फैसले का पोए जिते सजे मुल्क में एक नवो बहस छिड़ी चुको है उन हवाले से सिंध की राजधानी कराची में भी अवाम इन फैसले खिलाफ़ रोडन से निकतल है जैसे तो इन फैसले के हक में भी मुख्तलिफ़ मानू रोडन से निकतल है। अचो तो अवाम जो मिलल जुलल रद्द अमल आछता तो इन फैसले का पोए अवाम की कड़ी सोच है ही वजीर आजम तो उन फैसले का पोए वजीर आजम नए रो। इंदड़ वजीर आजम अवाम की नज़र में कड़ो होजन घुर्जे वो सिंध में हो पंजाब में हो बलोचिस्तान में हो या उनको ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा में होजे। अचो तो इन फैसले का पोए जो अवामी रद्द अमल आवाम जो इजहार आ वो मालूम क्यों था उन्हें जुबानी ये फैसलो सही बिल्कुल गलत आयो असो चीफ जस्टिस साहब उनके पुट एडो इन्वॉल्व आ पूरे करप्शन में उन्हें लाइ कुछ को कराची में एडो जुलम थी रो टारगेट क्लिनिक है लोड शेडिंग है बारह मई से एडा मू अस शहीद थी वह उन्हें कुछ को पाँ ही चीफ जस्टिस साहब के बहाल कराने लाइ एतरा मूँ हुआ हुआ वो सिराइकी सूबे में हो तो बेहतर छो तो वो मखदूम शहाबुद्दीन में लायक मू है बेहतरीन मू है सीनियर मू है। 12 मई से जो लाश किरिया उन्हें जो हिमल तई फैसलो सही तरह ना आया हिमल तई हले तो पो समाज हले थी पी हिमल तई फैसलो ना आया एतरा खोड़ ही पेंडिंग पियल ये टारगेट किलिंग जहाँ पेंडिंग पियल रोज अवाम मरे थी वी वी पंजी पंजी डेली मू मरन था उन्होंने कुछ न तो नजर अचे सिराइकी सूबो जो हाँ ठहणारो ऐलान थो इनशाला ठही वो उन सूबे में ही वजीर आजम अचे इनके पीपल्स पार्टी नजर दिए चे तो पीपल्स पार्टी कड़े भी पे क्या पर असें लीडर जो आसिफ अली जरदारी जो इंतजार था क्यों जो असंक हुकुम कहो असम हुकुम से हल्दे रोडन से चवे रोडन से निकलदे असान कैद जो जी चवे वो कहो चीफ जस्टिस अग में पैं पुट जो बुधारे पो किसा केस हलए वे बिल्कुल यो गलत थो है। हाँ टारगेट किलिंग हल थी पी उ बंद को प्लस में रोज रोज खुना रेजी हल थी को भी यानी अड़ी का बंदिश को चीफ जस्टिस जो मसलो हो वो इो ही हो तो यानी इन टाइम से उन पाँ पुट के पोते करके मसला आउट ऑफ शो ये खड़ी उ मसलों के पोते करे ताकि अवाम जो जो राय आो इन टाइम से इतने अची वे ताकि वजीर आजम के नाहल किया हाँ अवाम इन केस के मुब्तला कंदी भाई जान पे गाल चौधरी इफ्तिखार अहमद जो हिमल चीफ जस्टिस आ उन्हीं के उन्हीं जी इन फैसले से काबिले कबूल कदें भी ना समझूँ जैसे कराची में खबर पवे थी एतरा मानू रोजानो एतरा लाश के सिंध में अंदरून बहराड़ियों में इन्होंने बलोच होजन चाहे सिंधी होजन उन्होंने लाश मोकला होजन तो उनके को भी रिलीफ नो दिनों वे चीफ जस्टिस जैसे इंसाफ की गाल तो कहें तो उनको पुट जो है केस में उनको केस खोल है मोहतमा शहीद बेनजीर भुट्टो जै सदाई जिंदगी असा सिंध अवाम दिनी चीफ जस्टिस ला दिनी याद कर चीफ जस्टिस तो उन वेली कढ़ी मोहतमा बेनजीर भुट्टो वह जैसे शहीद थी तो उनको किताब छो था खोलो चीफ जस्टिस साहब के इतना जो नजर छो नो कराची जो ये हजारे मानू मोन अह 15 मानू डेली मरन था डेली गाड़ी छड़न था एडो नुकसान थे तो चीफ जस्टिस इतने नोटिस नो वे ये भला जहाँ कानून में ना ये कानून का भला था रहन जहाँ ये रोज इतने ये लोड शेडिंग हल तो ये बिजली जो आधार आ इन चीफ जस्टिस के का शायद नजर आ तो नो अचे एक वजीर आजम के मैदान वेद जी घोड़ा घोड़ा शुरू कर वजीर आजम या वजीर आजम ना हल चौधरी साहब के यो अर्ज कदासी 12 मई से जो इन मत हमलो थो उनमें अलग केतरा मानू कराची जहाँ मरी वाया उन अमल छो नो थे भला नाजीन अमा कराची वासन जहाँ चीफ जस्टिस पारा दिनल फैसले ए वजीर आजम की नाहली का सूरत हाल बाबत विचार बुधा उनमें को शक ना है तो सिंध जो अवाम इन वक्त भी चीफ जस्टिस की जाती तौर पर तमाम घनी इज्जत करे तो पर चीफ जस्टिस के पुट से हर मानू तनकीद कर रो है ए मुतालबो कर रहा है तो जैसे चीफ जस्टिस के अड़ा अहम फैसला करना ही आन तो उनकी शुरुआत पैं पुट का करें अवाम यो भी मुतालबो कयो तो जैसे पीपी की क्यादत उन फैसले के तस्लीम करे थी तो इंदड़ वजीर आजम भी सिराइकी सूबे या पंजाब में ही होजन घुर्जे। कैमरामैन इमरान खालिद से गड मुश्ताक सरकी सिंध टीवी न्यूज़ कराची।